Assalamu alaikum. This is lecture 42 of Gender Issues in Psychology. And as you can see, we are coming closer and closer to the end of this course. In the last lecture, we started a discussion on gender and psychopathology. And we said that we will look into the gender differences in terms of psychopathology and reactivity to stress. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से दोनों genders react करते हैं स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, और हमने ये भी देखा था कि जेंडर डिफरेंसेस जो हैं वो पाए जाते हैं रिएक्टिविटी टू स्ट्रेस में, यानी किस तरह से मर्द रिएक्ट करते हैं किसी भी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट के जवाब में और किस तरह से औरतें अपना रिस्पॉन्स देती हैं. कुछ चीज़ों में हमने देखा था कि दोनों जेंडर जो हैं एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं, कुछ चीज़ों में उनमें कुछ फ़र्क पाया जाता है. कुछ चीज़ों में औरतें अपना एक्सप्रेशन ज़्यादा करती हैं, मर्द अपने इजहार को रोक लेते हैं. और जनरली भी हमने देखा था कि कल्चरली स्पीकिंग, और इसमें स्टीरियोटाइप्स को अगर हम एक तरफ भी रख दें, तो देखा गया है कि सोशलाइजेशन इस तरह की होती है, अपब्रिंगिंग इस तरह की होती है कि औरतें जो हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, वो अपनी तकलीफ़ का भी ज़्यादा इजहार करती हैं, सिम्टम्स के बारे में भी ज़्यादा बात करती हैं, और वो छोटे छोटे सिम्टम्स को भी नोट कर लेती हैं और नोटिस कर लेती हैं. मर्द छोटे छोटे सिम्टम्स को यूजुअली इग्नोर करते हैं, या यूं कह लेना चाहिए कि वो उनको नोट ही नहीं करते. और हमने अब से कुछ लेक्चर्स पहले भी, जब हम हेल्थ के बारे में अपनी डिस्कशन का आगाज़ कर रहे थे, हमने उस वक्त भी कहा था कि इसका एक प्रोबेबल कॉज ये हो सकता है कि औरतें जो हैं बच्चों की परवरिश करती हैं फ्रॉम डे वन, इवन पैदाइश से पहले भी वो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं. बच्चे की पैदाइश के बाद से एक एक लम्हा, एक एक सेकेंड, हर वक्त, हर दिन और हर रात वो बच्चे को क्लोजली मॉनिटर करती रहती हैं, उसकी एक एक चीज़ को नोटिस करती हैं, और किसी मामूली से भी चेंज की सूरत में उनको मालूम हो जाता है कि बच्चे की तबीयत ख़राब है या उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, अब उसके पेट में दर्द हो रहा है, अब उसको भूख लगी है. दैट इज़ दे ग्रो सेंसिटिव टू द इवन द माइनर एंड द स्लाइटेस्ट एंड द टाइनिएस्ट चेंजेस इन द चाइल्ड्स बिहेवियर. Now, this sensitivity is not restricted to the child alone. Of course, when one learns to be sensitive about the other person's needs and behavioral changes and emotional responses, then that ability or that skill, we may call it, is not restricted to just one person or just the child of the person. And that is why probably females are more sensitive about the emotional responses and behavioral changes in other people, and related to that, they are more sensitive as compared to men about the changes in the health of the person, in the psychological, physical and mental well-being of the person. So probably yahi wajah hai ki wo apni sehat mein hone wali tabdiliyon se bhi zyada jaldi waqif ho jati hain, aur zyada tar wo doctor ke paas consultation ke liye chali jati hain jabki koi मर्ज बज़ाहिर इतना बड़ा नहीं होता. और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं और मामूली से सिम्टम के साथ जाती हैं, तो मालूम होता है कि इसके पीछे एक बड़ा या नस्बतन सीरियस मर्ज जो है वो मौजूद है. इसी तरह से स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में भी देखा गया कि औरतें ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, वो ज़्यादा सिम्टम्स और ज़्यादा पेन और हर्ट और एग्नी को डिस्क्राइब करती हैं, उसके बारे में ज़्यादा बात करती हैं. पिछले लेक्चर में हमने जिन टॉपिक्स के बारे में बात की वो ये थे, जेंडर, स्ट्रेस एंड साइकोपैथोलॉजी, जेंडर एंड रिएक्टिविटी टू स्ट्रेस, मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड जेंडर डिफरेंसेस इन द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. एज वी सेड इन द लास्ट लेक्चर एंड एज वी हैव बीन सेइंग इन मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स, देर आर मेनी थिंग्स, मेनी टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर विच यू हैव डिस्कस्ड इन अदर कोर्सेज एज वेल. And in this course, we have tried, and we should try, that we do not repeat the contents that you have done in other courses. But since these topics are related to gender issues also, we are discussing these topics with reference to gender differences and gender similarities, and gender biases and gender equity and gender equality. Stress ke mamle mein bhi aisa hi hai. Stress ki theories, स्ट्रेस की नेचर, स्ट्रेस की फिजियोलॉजी, स्ट्रेस की साइकोलॉजी, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ, ऑल दीज थिंग्स वी आर श्योर यू हैव डन एंड कवर्ड इन अदर कोर्सेज.
आपने शायद एबनॉर्मल साइकोलॉजी में इसके बारे में पढ़ा हो, हेल्थ साइकोलॉजी में यकीनन पढ़ा होगा, और आपने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के कोर्स में भी इस चीज़ के बारे में खासी बातें सुनी हैं। तो इस मौजूदा कोर्स में हम इन तमाम चीज़ों की डिटेल में नहीं गए, हमने ये देखा कि किस तरह से वो क्या चीज़ें हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल में जिनकी वजह से मर्दों में और औरतों में स्ट्रेस पैदा हो सकता है। बिकॉज इन द कन्वेंशनल साइकोलॉजिकल अप्रोचेस द मॉडर्न लाइफस्टाइल वाज नॉट वन ऑफ द सेंट्रल इश्यूज और सेंट्रल टॉपिक्स, बट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर इश्यूज एंड इफ यू ओपन एनी बुक ऑन जेंडर इश्यूज और वुमेन स्टडीज, यू विल फाइंड quite a significant proportion that is related to the modern lifestyles and the impact of these lifestyles on women's psychology and their biology as well. So modern lifestyles se kya murad hai, aise lifestyles jisme auraton ko dual responsibility jo hai wo uthani padti hai aur nibhani padti hai, aur duniya ke tamam cultures mein jahan pe auratein ghar se bahar kaam kar rahi hain aur unki ek full time occupation hai, ek profession hai और एक सेपरेट आइडेंटिटी है, घर में भी उनको तवज्जो और ध्यान और वक्त देना पड़ता है, और ख़ास तौर पर बच्चों की परवरिश में। और जैसे कि हम कह रहे हैं, किसी भी कल्चर में ऐसा नहीं कि मुकम्मल तौर पर 100% मर्द उनका हाथ बटाता हो। अक्सर कल्चर्स में तो ऐसा है कि मर्द उनका हाथ बिल्कुल भी नहीं बटाते घर के काम काज में या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। जहाँ पर मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, डिवेलप सोसाइटीज़ हैं, सो कॉल्ड सिविलाइज सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर निज़ाम ही इस तरह का है कि लोगों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है और उनके साथ काम शेयर करना पड़ता है, मगर वहाँ पर भी घर को चलाने की और हाउस होल्ड के तमाम अमूर जो हैं उनको संभालने की बुनियादी जिम्मेदारी आम तौर पर औरत ही के सर पे होती है। सो दिस टाइप ऑफ अ लाइफ स्टाइल एड्स टू द स्ट्रेस एंड टू द हैसल्स टू अ वुमन्स लाइफ, बट एट द सेम टाइम वुमन हु आर लिविंग इन सच अ लाइफ स्टाइल they do not experience more stress than the women who are staying home all the time. कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि housewives को stress नहीं होती और working women को stress होती है। Research से जो बात साबित हुई है वो ये है कि जो ख़वातीन काम करती हैं, उनका अपना profession है, अपनी identity है, और वो घर को भी संभालती हैं, उनको stress तो होती है लेकिन एक तरह की positive stress, because they have to work more, but at the same time they are contributing something to the society, contributing something to the economy of the household, and they are using their creative and productive potential, and they are known as individuals in their own right. So modern lifestyle mein pressure zyada hai, stressful events zyada hote hain, lekin uske natije mein health pe negative effects us kadar nahi hote jitne un khawateen mein hote hain jinke paas ek apni independent एग्जिस्टेंस नहीं है और जो दूसरों पर डिपेंड कर रही हैं। एनीवे पिछले ये सब तो थी पिछले लेक्चर की बातें जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, और मेन जो टॉपिक था हमारा वो था जेंडर स्ट्रेस एंड साइकोपैथोलॉजी। आज के लेक्चर में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, जेंडर एंड साइकोपैथोलॉजी। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि जब हम साइकोपैथोलॉजी की बात करेंगे तो उससे रिलेटेड एक और इशू को भी हम डिस्कस करेंगे जो कि साइकोपैथोलॉजी के जेंडर इश्यूज में एक अहम इशू है, एक अहम नुक्ता है जिसके बारे में लोग सोच रहे हैं, रिसर्चर्स उस पर काम कर रहे हैं और उसके बारे में खासी स्टडीज मौजूद हैं, और वो इशू है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का। जब हम साइकोपैथोलॉजी की बात करते हैं तो फौरन हमारे जहन में ही आता है कि कौन डिटरमिन करेगा कि कोई शख्स साइकोपैथोलॉजी का शिकार है। इस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, तो आज के टॉपिक में हम उसकी बात भी आपके साथ करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं जेंडर एंड साइकोपैथोलॉजी के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं। साइकोपैथोलॉजी रिफर्स टू मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल इलनेस। पैथोलॉजी से मुराद है बीमारी, साइको नफ्सियात से जिसका ताल्लुक हो। साइकोपैथोलॉजी से मुराद हुई नफ्सियाती अमराज, मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल इलनेस, जो भी नाम आप इसको दे दीजिए, हम आमतौर पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के हवाले से बात करते हैं। साइकोपैथोलॉजी को डिटरमिन करने के लिए एक जानब तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी जानब दूसरे लोग उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी ओपिनियन
और फर्द के अपने महसूसात भी जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि वो किसी तरह के साइकोपैथोलॉजी का या किसी तरह के सिम्टम्स का शिकार है, ऐसी चीज़ जिसके लिए उसको हेल्प की ज़रूरत है। और आमतौर पर एक यूँ तो कोई फॉर्मूला नहीं है, मगर आमतौर पर उसी वक्त समझा जाता है कोई शख्स साइकोपैथोलॉजी का शिकार है जब वो अपने सिम्टम्स की वजह से इतना परेशान हो, उसकी डेली रूटीन में उसकी वजह से इतना फ़र्क आ जाए कि उसको ज़रूरत महसूस हो कि उसको किसी प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग साइकोपैथोलॉजी का शिकार होते हैं लेकिन उनकी पैथोलॉजी की नेचर ऐसी होती है और उसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं, उनका एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि उनको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो किसी प्रॉब्लम का शिकार है। चुनांचे एक डिप्रेशन के मरीज़ को तो ये मालूम हो जाएगा कि मुझे डिप्रेशन है, मैं हर वक्त उदास रहता हूँ, मुझे रोना आता है, मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाहता, आई एम लेथार्जिक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई वॉन्ट टू डाई, आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू टेक द केस ऑफ अ पर्सन हु हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ बींग पैरानॉइड या एंटी सोशल पर्सनैलिटी है उसकी, इस तरह का शख्स दूसरों को तकलीफ दे के भी खुश हो रहा है और उस तकलीफ में से उसको इन्जॉयमेंट भी मिल रही है, वो उनकी उसकी तमाम आदत इस तरह की हैं कि उसके लिए खुशी का बायस बन रही हैं, उसके लिए एक प्लेजर का बायस बन रही हैं, इस तरह का शख्स जो है दूसरों के साथ झगड़ सकता है, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरों को हर्ट कर सकता है, लेकिन उसको ये महसूस नहीं होता कि वो ज़हनी मरीज़ है। इस तरह के शख्स की सूरत में उसकी अलामत उसको महसूस नहीं हो रही, उसके इर्द गिर्द रहने वालों को, उसके अजीज़ व अकारब को, फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को, कोवर्कर्स को या बॉस को या सबॉर्डिनेट्स को महसूस होती हैं। तो ये भी हो सकता है कि कोई शख्स खुद कभी भी महसूस ना करे कि वो ज़हनी मरीज़ है और बाकी के लोग उसको किसी डॉक्टर के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मशवरा दें। सबसे पहले जब हम सिम्टम्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो अगर देखा जाए कल्चरली स्पीकिंग एंड व्हेन वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट द जेंडर डिफरेंसेस, वी सी दैट वी हैव इन ऑल कल्चर्स एंड इन आर कल्चर स्पेशली वी हैव सर्टेन स्टीरियोटाइपिकल बिलीव्स अबाउट मेंटल इलनेस। People think and people believe that certain symptoms, certain disorders, certain mental problems or illnesses are common in females and they are specific to females, and then there are certain disorders or problems that are specific to males. Some of such traditionally held beliefs are hysteria or dissociative disorders is specific to women, especially young girls. Mostly women are anxiety ridden and suffer from anxiety disorders, and very few men have anxiety. Women are scared of insects, animals or people and usually are phobic. Men are brave, scared of nothing and do not develop phobias. Depression in women is not something to be taken too seriously, since women have a natural disposition for feeling sad and they recover with the passage of time. Habit disorders, smoking, drug abuse or alcoholism are men's problems. So aapne dekha ye kuch aise beliefs hain jo aap ne soche bhi honge, ho sakta hai aap mein se kuch log bhi inhi mein yakeen rakhte ho aur kam se kam aapne dusre logon se, apne parents se ya apne milne julne walon se ye cheeze sun rakhi hongi ya aapne tv ke dramon mein aur filmon mein ye sab kuch dekha hoga. Aur haqeeqat bhi ye hai, hum mardon ko to kabhi rote hue dekhte nahi. जब हमें कोई शख्स रोता हुआ दिखाई देता है, या वो कोई बच्चा होगा और या कोई औरत, जिसकी वजह से एक स्टीरियोटाइप सी बन गई है कि औरतें रोती हैं, औरतें रो सकती हैं, मर्द नहीं रोते. और जो रोता है लोगों के ख्याल में सिर्फ वही दुख में और तकलीफ में होता है. रोना या आंसू किसी के दुख और तकलीफ का एक अच्छा सा इंडिकेटर हो सकते हैं लेकिन 100% नहीं. मर्द भी तकलीफ़ में होते हैं, मर्द को भी दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ दर्द हो सकता है, बहुत सदमा हो सकता है, गम हो सकता है, लेकिन सोशलाइजेशन ऐसी है, अपब्रिंगिंग ऐसी है कि मर्द रोते नहीं. सो अगर इन स्टीरियोटाइप्स के पीछे हम जाएं तो हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग यही बिलीव करते हैं कि औरतें ही डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार होती हैं, मर्द नहीं होते, क्योंकि मर्द आमतौर पर उनको ट्रेन इस तरह से किया जाता है कि अपने इमोशंस का इजहार खुलकर नहीं करते,
और हर किसी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करते, जबकि औरतों में जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं सेल्फ डिस्क्लोजर की टेंडेंसी ज़्यादा है. दे कैन इवन डिस्कस देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, फैमिलियर प्रॉब्लम्स, इवन वाइल सिटिंग इन द वेटिंग रूम ऑफ अ क्लिनिक. और अगर ये देखा जाए तो सेल्फ डिस्क्लोजर और कैथारसिस की वजह से, जो कि उन्हें इस एटीट्यूड की वजह से हासिल हो जाता है, बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो औरतों में कम है, मर्दों में ज़्यादा है. और अगर हम हार्ट डिजीज़ की बात भी करें तो हम देखते हैं तो उसमें एक फैक्टर ये भी है, जहाँ बायोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फीमेल में कम रेट ऑफ कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ के लिए, वहाँ पर एक फैक्टर ये भी है कि वो अपनी स्ट्रेस का इजहार कर देती हैं. उनका एंगर जो है वो तो शायद सप्रेस्ड हो, लेकिन इमोशन यूजुअली रिप्रेस्ड नहीं होता. एंगर क्यों उनका सप्रेस्ड होता है, इसकी और रीजंस हो सकती हैं जो अभी हम बात करेंगे. लेकिन जहन में रखने की ये बात है कि साइकोपैथोलॉजी एक चीज़ है, सिम्टम्स के होते हैं, एक इटियोलॉजी होती है साइकोपैथोलॉजी की, और उसके बारे में सोसाइटी में कुछ परसेप्शंस ऑलरेडी पाई जाती हैं, और बहुत से लोग उन परसेप्शंस पे चलते हुए किसी भी शख्स को लेबल कर देते हैं. किसी शख्स को, किसी लड़की को अगर उसमें किसी तरह के सिम्टम्स पाए जाएं, तो उसकी तह में ज़्यादा जाने के बजाय लोग, हम मेजॉरिटी ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी 80% जो है पॉपुलेशन वो तो वैसे ही देहाती इलाकों में रहती है और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है. लेकिन एजुकेटेड लोगों में भी, जो सो कॉल्ड एजुकेटेड और एनलाइटन्ड लोग हैं, उनमें भी ये रवैया पाया जाता है कि अगर औरतों में किसी तरह के सिम्टम्स आए तो वो उसको अपनी स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग के हवाले से एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं. मसलन अक्सर लोग कह देंगे कि ये इसलिए ज़्यादा डिप्रेस है मेरी बीवी, या इसलिए ज़्यादा झगड़ती है क्योंकि वो मीनोपॉजल है. हालांकि ऐसा नहीं है. जो आइंदा लेक्चर्स में जब हम साइकोथेरेपी की बात करेंगे और हम फेमिनिस्ट साइकोथेरेपी की बात करेंगे, तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि मॉडर्न साइकोथेरेपी जो है उनकी अप्रोच मुख्तलिफ है. हो सकता है किसी शख्स में कोई भी सिम्टम्स ना हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द के लोग हैं और उस इर्द गिर्द के जो हालात हैं वो उसमें वो सिम्टम्स पैदा कर देते हैं, और जब वो हालात ख़त्म होते हैं वो सिम्टम्स गायब हो जाते हैं. दीज एंड मैनी अदर रॉन्ग परसेप्शंस आर नॉट ओनली हेल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ मोस्ट सोसाइटीज, बट आर ऑल्सो प्रमोटेड, स्ट्रेंथेंड एंड पास्ड ऑन टू द यंगर जनरेशन. मोस्ट मॉडर्न रिसर्च सजेस्ट्स दैट देयर आर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन मेंटल इलनेस एक्सेप्ट अ फ्यू. मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक, जो कि साइकाट्रिस्ट ने की, साइकोलॉजिस्ट ने की और दीगर हेल्थ प्रोफेशनल्स ने की, उसके मुताबिक मेंटल इलनेस में कोई ख़ास और कोई नुमाया और कोई सिग्निफिकेंट जेंडर डिफरेंसेस नहीं पाए जाते. कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं साइकोपैथोलॉजी की जिसमें जेंडर डिफरेंसेस मौजूद हैं, और ये जेंडर डिफरेंसेस मर्दों की जानब भी हो सकते हैं, मर्दों के फेवर में और औरतों के फेवर में भी. कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो औरतों में ज़्यादा पाए जाते हैं, और कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो मर्दों में ज़्यादा देखे जाते हैं. मगर जनरली स्पीकिंग अगर हम देखें तो दो मेजर कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें ज़रा नुमाया किस्म के जेंडर डिफरेंसेस मौजूद हैं. द रेट ऑफ ओनली टू इलनेसेस हैव बीन फाउंड हायर इन वुमेन, ए मूड डिसऑर्डर्स एंड बी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स. मैन हैव हायर रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. Research has further shown that females are also higher in case of tendencies towards such depression and anxiety that, although not clinically diagnosable, make people feel psychologically distressed. Research से ये बात भी जाहिर हुई है कि ना सिर्फ ये कि औरतों में हो सकता है कि depression और anxiety ज़्यादा हो, लेकिन उसके अलावा उनमें इस तरह के depression और anxiety की tendency भी ज़्यादा होती है जो कि clinically तो शायद diagnose नहीं होगी as an illness. लेकिन आम तौर पे वो जल्दी डिप्रेस हो जाती हैं और जल्दी परेशानी का, घबराहट का या एंग्जाइटी का शिकार हो जाती हैं. यहाँ पे एक चीज़ जो मिसिंग है वो ये है कि उसमें से वो रिकवर कैसे करती हैं. क्या औरतें जिस डिप्रेशन की उनमें टेंडेंसी है या एंग्जाइटी की उसमें से जल्दी निकल आती हैं, या मर्द उसमें से जल्दी बाहर आ जाते हैं? और कुछ रिसर्च इसके बारे में मौजूद है, इस पर गो के बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि औरतें ज़्यादा डिप्रेशन या उदासी, यासियत, एंग्जाइटी, इस्तराब ये महसूस करती हैं, लेकिन उसमें से बाहर भी वो जल्दी आ जाती हैं. मर्द आमतौर पर
चीज़ों को इतना ज़्यादा डीपली इमोशनली इन्वॉल्व होके नहीं लेते जितना कि औरतें लेती हैं, लेकिन अगर उनकी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाए और उनमें वो उनको किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन का या नाकामी का सामना हो तो दे टेक मच लॉन्गर इन रिकवरिंग एंड मैनी ऑफ देम डोंट रिकवर एट ऑल. औरतों की सूरत में ज़्यादातर औरतें जो हैं उनके कोपिंग मैकेनिज़म्स इस तरह के हैं कि वो उसमें से बाहर निकलना जो है मुश्किल तो महसूस करती हैं, लेकिन उनकी बायोलॉजी, उनके हॉर्मोन्स, ये सब कुछ उनको सपोर्ट करता है उससे बाहर आने में. मगर दोबारा से वही बात, स्टीरियोटिपिकली लोग समझते हैं कि औरतें उसमें से बाहर नहीं आ सकती, और जब वो बाहर आती हैं या आने की कोशिश कर रही होती हैं तो यही कहा जाता है कि ये औरत है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती है, ये औरत है, इसके साथ तो ऐसे होना ही था. एंड दिस एटीट्यूड इज़ फाउंड नॉट ओनली इन ले पीपल, नॉट ओनली इन इलिटरेट पीपल, नॉट ओनली इन अनएजुकेटेड पीपल, दिस इज ऑल्सो सीन इन मेडिकल फिजिशंस, इन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट. और जब आप इसी तरह से बिलीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके डायग्नोसिस में भी उसका दखल आ जाएगा, वो भी बायस हो जाएगा, और ट्रीटमेंट में और साइकोथेरेपी में भी उसका असर आएगा. आज के लेक्चर में हम दो इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं. वन, द जेंडर बायस इन द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, एंड टू, द फैक्ट्स अबाउट एग्जिस्टिंग जेंडर डिफरेंसेस इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. Diagnostic criteria, being a student of psychology, you know the criteria or the standard or the scale that we use for assessing the level or the presence of a mental illness in a person. Diagnostic criteria, hamare paas bahut se criteria maujood hain. Sabse zyada commonly known criteria jo hai wo hai ICD aur DSM, aur aajkal hum DSM par hi inhisar karte hain. क्योंकि पिछले सालों की, पिछले डेकेड्स की इनफैक्ट रिसर्च के बाद दोनों में जो डिफरेंसेस थे उनको ख़त्म कर दिया गया, और अब हमारे पास DSM इस फॉर्म में मौजूद है कि हम उसको किसी भी जगह पर दुनिया भर में तमाम कल्चर्स में तमाम ममालिक में इस्तेमाल करते हैं और उस पर खासी हद तक रिलाय करते हैं. डायग्नोस्टिक क्राइटीरिया रिफर टू द स्टैंडर्ड्स लेड डाउन एंड यूज बाय साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट फॉर कैटेगराइजिंग and labeling people as mental patients or as suffering from a mental illness. These criteria not only decide whether or not a person is mentally ill, but also specify the type of disorder. Modern psychological research mein hame bahut se aise hawale milte hain, aur bahut se psychologists aur even psychiatrists ki opinion hame is bare mein milti hai ki jo diagnostic criteria DSM hum istemal karte hain wo biased hai, usme inherent bias hai. ऐसी बायस जिसके मुताबिक ज़्यादा इम्कान है कि उसमें ख़वातीन जो हैं उनको डायग्नोस किया जाएगा और लेबल किया जाएगा, उन्हें किसी ज़हनी मर्ज़ का शिकार करार दिया जाएगा. लेकिन उससे पहले हम जल्दी से ये देख लें कि DSM है क्या, जस्ट टू रिफ्रेश योर नॉलेज, बिकॉज वी नो दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स इन एबनॉर्मल साइकोलॉजी. द मोस्ट कॉमनली यूज क्राइटीरिया वर्ल्ड वाइड इज़ द डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स और DSM. The DSM, developed by the American Psychiatric Association, is the most widely used criteria. The first version came in 1952, the second edition in 1968, followed by the third edition in 1980, and the slightly revised edition of the same in 1987. In 1994, DSM-4 was developed that was not much different from the previous version. A text revision of the DSM-4 appeared in year 2000. In the 2000 revision, the diagnostic categories remained unchanged. However, the text descriptions were enlarged. DSM mein 240 se zyada categories ko cover kiya jata hai, aur na sirf ye ki categories ki divisions maujood hain, unki descriptions maujood hain, symptoms ki tafseel maujood hai, uske ilawa जो डेमोग्राफिक्स जो हैं उनके रिस्क से रिलेटेड उनका भी जिक्र पाया जाता है, और ये एक मल्टी एक्सियल सिस्टम पर बेस्ड है. इट हैज़ अ मल्टी एक्सियल सिस्टम एंड कंटेन्स 5 एक्सेस और डायमेंशंस ऑफ डायग्नोसिस. द फर्स्ट 3 एक्सेस कवर द डायग्नोसिस, वेयर एज द रिमेनिंग 2 प्रोवाइड क्राइटेरिया फॉर द इवेलुएशन ऑफ स्ट्रेसेस एंड ओवरऑल फंक्शनिंग.
information regarding the age of onset, the course of disorders and the gender ratio of the disorder is also covered. So, agar hum dekhe aur agar aapne DSM ka khud se mutala kiya hai ya aapki nazar se guzra hai to aap jante honge ki ek comprehensive system hai. Iske 5 ke 5 axis par mukhtalif tareekon se jo patient hai ya client ya victim usse information lene ka ek pura system maujood hai aur uske bina par تمام ایکسس پہ دی گئی انفارمیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس شخص کی ایویلیویشن کی جاتی ہے, ڈائگنوزس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈٹرمن کیا جاتا ہے اے کیا وہ ذہنی مرض کا شکار ہے بھی یا نہیں, دو اگر وہ شکار ہے تو کس مرض کا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی شدت کتنی ہے, اس کے کانٹریبیوٹری فیکٹرز کیا ہیں اور باقی پاپولیشن میں جو اس کا رسک تھا اس کے مقابلے میں یہ شخص جو ہے کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے. دیکھا یہ گیا ہے جیسے کہ ہم ابھی کہہ رہے تھے ریسرچز سے جو ماڈرن ریسرچ کی گئی ہے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ اس میں انہیرنٹ بائسز موجود ہیں. اور بائسز یوں تو وہ اور چیزوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ بائس موجود ہے, مثلاً ریس کے بارے میں بائس موجود ہے, مثلاً ایج سے متعلق بائس موجود ہے کہ سرٹن ایج میں یا سرٹن ریس سے بلانگ کرنے والے لوگ جو ہیں زیادہ امکان ہے کہ اگر اس کرائٹیریا کو استعمال کیا جائے گا تو وہ زیادہ لیبل ہوں گے. دا سیم اسٹینڈز ٹرو فار دا جینڈرز. دیز ریسرچز دا کرٹکس آف دا ڈی ایس ایم دے کلیم دیٹ دیر از اے ویری ہائی لائکلیہڈ دیٹ ویمن ایز کمپیئر ٹو مین ول بی لیبلڈ اینڈ ڈائگنوزڈ مور وین وی آر یوزنگ دا ڈی ایس ایم. A number of researchers and mental health professionals have criticized the multi-axial system of DSM for an inherent gender bias. The main criticism posed against the prevalent diagnostic system of the DSM is that women are more likely to be diagnosed with problems of behavior, whereas actually the problem may be due to some other cause than pathology. So, important point ye hai. کہ زیادہ امکان ہے کہ عورتوں کو ڈائگنوز کیا جائے گا, لیبل کیا جائے گا, جبکہ ان میں جو سمٹمس تھے وہ ان میں پائے جانے والی پیتھولوجی کی وجہ سے نہیں تھے, کسی اور وجہ سے تھے. اور یہ چیز ہم جس وقت بات کریں گے فیمنسٹ سائیکو تھراپی کی اس وقت دوبارہ سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے بائسڈ ایٹیٹیوڈس ان دا پروفیشنل, دا بائسڈ ایٹیٹیوڈس آف دا سوسائٹی, دیز تھنگس لیڈ ٹوورڈز a diagnosis that is negatively biased against females. In the diagnosis of mental illness, men are used as the norm, and this increases the likelihood of females being diagnosed as disorder positive when the behavior under consideration is occurring more frequently in women and not in men. Masle ki jad ya masle ka cause in researchers ke khayal mein ye hai کہ اکثر جو کنونشنل تھراپیز ہیں, کنونشنل اپروچز ہیں, کنونشنل سائیکو تھراپیز اور ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہیں, وہ مرد کے بیہیویئر کو اور مرد کو استعمال کرتے ہیں ایز اے نارم اور ایز اے اسٹینڈرڈ. اور مرد کے بیہیویئر کو جو کہ ایک ایوریج اسٹینڈرڈ کا ہو, ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باقی لوگ بھی اسی طرح سے بیہیو کریں گے. اور جب خواتین اس کے مطابق بیہیو نہیں کر رہی ہوتی تو زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ان کے بیہیویئر کو اب نارمل کہہ دیا جائے. تو اگر کوئی ایسا بیہیویئر ہے جو عورتیں بہت زیادہ کر رہی ہیں, شو کر رہی ہیں اور انڈلج کر رہی ہیں اس میں, اور مرد اس میں انڈلج نہیں کرتے, تو عام طور پہ امکان ہے کہ اس کو ایک اب نارمل بیہیویئر کہہ کر سائیکوپیتھولوجی کا انڈیکیٹر بنا دیا جائے گا. پروفیشنلز ہیو یوزڈ میل بیسڈ نارمز ٹو ڈیفائن ہیلدی ورسز پیتھولوجیکل بیہیویئر. ایز اے کانسیکوینس آف دس ٹینڈنسی, بیہیویئر اینڈ پرسنالٹی کریکٹرسٹکس آف مین آر ٹریٹڈ ایز نارمل, and behaviors typical of women are considered abnormal or pathological. مثلاً وہی چھوٹی سی مثال لے لیجیے رونے کی. کیونکہ عورتیں زیادہ روتی ہیں اور آنسو بہاتی ہیں, اس لیے سمجھا جاتا ہے یہ ایک ایسا بیہیویئر ہے جو مرد تو نہیں کرتے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, مرد تو نہیں روتے. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیے کہ اگر مردوں کو بھی اجازت ہوتی اور شروع سے ان کی اپ برنگنگ اس طرح سے ہوتی کہ ان کو بھی اجازت ہوتی کہ جب ان کو غم ہو, تکلیف ہو یا درد ہو تو وہ روئیں, اور مرد بھی ایسا کیا کرتے, تو
तो रोना एक नॉर्मल बिहेवियर समझा जाता। लेकिन अब क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ में मर्द ऐसा नहीं करते, तो किसी के सामने रोने को या आंसू बहाने को एक नापसंदीदा चीज़ समझा जाता है। ऐसी चीज़ जिसको अगर डिस्करेज नहीं किया जा रहा तो कम अज़ कम इनक्रेज भी नहीं किया जाता। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक मेल बिहेवियर्स लाइक कंपेटिटिवनेस, असर्टिवनेस, इंडिपेंडेंस एंड एन एग्रेसिव एटीट्यूड आर थॉट टू बी अ पार्ट ऑफ अ हेल्दी मेंटल फंक्शनिंग। ऑन द अदर हैंड, कैरेक्टरिस्टिक फीमेल बिहेवियर्स लाइक इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर टेकन टू बी इंडिकेटिव ऑफ अंडरलाइंग साइकोपैथोलॉजी। कुछ क्रिटिक्स के ख्याल में कल्चरल फैक्टर्स को और सोशल फैक्टर्स को, सोशल बैकग्राउंड को, फर्द के जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको DSM में ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। और ये भी एक समझा जाता है कि एक बायस है DSM में, बायस अभी हमने उर्दू का बायस बोला, एक वजह है DSM में पाई जाने वाली बायस की। सम क्रिटिक्स हैव रेज्ड द क्रिटिसिज्म दैट द कल्चरल बैकग्राउंड एंड लाइफ सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्सन अंडर कंसिडरेशन फॉर डायग्नोसिस आर इग्नोर्ड इन द DSM क्राइटेरिया। Some critics believe that although the DSM-4 and DSM-4TR have given consideration to the significance of cultural factors, it does not give due importance to these factors. The assumption that the DSM follows is that although a person's circumstances may be relevant, the problem primarily resides within the person. Therefore, the source of the problem is the person. And not the circumstances. इन क्रिटिक्स के ख्याल में, जो कि हमें खासी हद तक ठीक भी लगता है, कि गो के इन DSM के एक्सेस जो हैं उनमें सोशल जो है सर्कमस्टांसिस और सोशल फैक्टर्स उनको भी अहमियत दी जाती है, लेकिन इस हद तक नहीं दी जाती जितनी कि देनी जानी चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि क्राइटेरिया में आप मरीज से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, उसके हालात क्या थे, सर्कमस्टांसेस क्या थे, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें हासिल करने के बाद, ये तमाम तर मालूमात लेने के बाद जब डायग्नोसिस किया जाता है तो फ़र्द को ही मरीज करार दिया जाता है। कॉज उसके सर्कमस्टांसेस हैं, उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, उसके करीबी अजीज हैं शायद, लेकिन कहा यह जाता है कि मर्ज जो है फ़र्द में मौजूद है। और यही वजह है कि हम बहुत सी थेरेपीज जो कि हमारी खासी पॉपुलर थेरेपीज हैं, बहुत इफेक्टिव थेरेपीज हैं, जैसे REBT है, कॉग्निटिव थेरेपीज की और जो मुख्तलिफ अकसाम हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, फोकस ये करवाने की कोशिश की जाती है कि फ़र्द अपनी सोच को बदल ले। और जाहिर है थेरेपिस्ट और कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास मदद के लिए जो है वो क्लाइंट ही आया है या मरीज आया है, और थेरेपिस्ट के पास कोई तरीका ऐसा नहीं है कि जिससे फ़र्द के इर्द गिर्द पाए जाने वाले लोगों को जो है ट्रीट किया जा सके या उनकी ज़हनी हालत को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन फेमिनिस्ट साइकोथेरेपी में इन बाकी लोगों पर भी फोकस किया जाता है, बट अगेन वी आर नॉट सेइंग दैट वी कैन ट्रीट द पीपल अराउंड द सफरर। द सफरर इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम एंड द सफरर हैज़ टू चेंज एंड द सफरर हैज़ टू मेक एडिशनल एफर्ट फॉर गेटिंग रिड ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज बाय द पीपल around him or her. Consequently, if a raped or acid-burnt woman is depressed, isolated, phobic or severely anxiety-ridden, she will be labeled as having one of the relevant disorders. Hence, what she is will be important and not why she is like that. Chunanchi, agar kisi aurat ko bahut serious masla ho, aur ye baat mardon par bhi apply hoti hai, but since we are talking about the gender bias found in the criteria that is going against females, we are talking about the problems of females. So, agar ek aurat tashaddud ka shikar hui hai, zehni tashaddud ka ya jismani tashaddud ka, ya uske sath koi bahut zyada zyadti ki gayi hai, usko betray kiya gaya hai ya uska galat istemal kiya gaya hai ya wo kisi bahut badi nakami ka kisi aur ki wajah se shikar hui hai, तमाम तर नतीजों चीज़ों के नतीजे में जो डिप्रेशन उसको होगा, जो एक हेल्पलेसनेस का एहसास होगा, उसके लिए जो लोग उसका बायस थे, जो हालात उसका डायरेक्टली बायस थे, उनको नज़रअंदाज किया जाएगा और फोकस डायग्नोसिस का भी वही खातून होगी
और थेरेपी का फोकस भी वही होगी. इन सम केसेस इवन द अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन इटसेल्फ हैज आल्सो वॉर्न्ड अगेंस्ट ओवर डायग्नोसिस और अंडर डायग्नोसिस. रेफरिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इट हैज बीन सेड दैट द क्लिनिशियंस मस्ट बी कॉशियस नॉट टू ओवर डायग्नोज और अंडर डायग्नोज certain personality disorders in females or in males because of social stereotypes about typical gender roles and behaviors. So even American Psychiatric Association ko khud bhi is baat ka ehsaas hai ki baaz auqat hum ye galti kar sakte hain ki hum over ya under diagnose kar dein logon ko, khaas taur par personality disorders ke mamle mein, kyunki bahut si cheeze معاشرے میں لوگوں کو اس طرح کی تربیت دی جاتی ہے, ان میں وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں, وہ بیہیویئرس پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ اگر کسی شخص میں اچانک پیدا ہو جائیں تو وہ کسی پیتھولوجی کی علامت ہوں گے. لیکن کچھ کلچرز میں کچھ لوگوں کو, کچھ سیگمنٹس آف پاپولیشن کو اس طرح کے بیہیویئر سکھائے جاتے ہیں جو کہ دراصل ہوتے تو اس قابل ہیں کہ ان کو ڈائگنوز کر کے لیبل کر دیا جائے, لیکن وہ کسی پیتھولوجی کی علامت نہیں ہوتے بلکہ اس معاشرے میں پائے جانے والے ایک نارمل رویے کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جن معاشروں میں بچوں کی پٹائی کرنے کا رواج ہے, جن معاشروں میں مردوں کو بہت بلند آواز میں بولنے دینے کا رواج ہے, مردوں کو آزادی ہے کہ وہ کسی طرح کی زبان, کسی بھی طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, اس معاشرے میں یہ رویہ کسی پرسنالٹی ڈس آرڈرز کی علامت نہیں سمجھا جائے گا, جبکہ بعض اوقات وہ علامت ہو بھی سکتا ہے. ایک اور معاشرے میں جہاں پہ بلند آواز میں بات کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا, جہاں پر گفتگو کرنے کے دوران سخت الفاظ یا گالی گلوچ کا استعمال برا سمجھا جاتا ہے, جہاں پر لوگوں پر پرسنل کامنٹس پاس کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا, وہاں پہ اگر کوئی شخص اچانک اس طرح کی زبان استعمال کرنا شروع کر دے, بہت بلند آواز میں بولنا شروع کر دے اور گالی گلوچ کا استعمال شروع کر دے, تو وہاں سمجھا جائے گا کہ یہ شخص کسی سائیکوپیتھولوجی کا شکار ہو گیا ہے. ٹپیکل جینڈر بیہیویئرز لائکلی ٹو بی ڈائگنوزڈ ایز ڈسآرڈرز, دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ایسے بیہیویئرز ہیں, جینڈر رولز اس طرح کے ہیں جو کہ معاشروں میں پائے جاتے ہیں, جو کہ اگر دیکھا جائے تو کسی نہ کسی پیتھولوجی کی جو علامات ہیں اس میں موجود ہوتی ہیں, یا یوں کہہ لیجیے کہ اس بیہیویئر کو ہم علامت سمجھ سکتے ہیں کسی پیتھولوجی کی, اور اکثر در حقیقت کوئی پیتھولوجی موجود نہیں ہوتی. ان کیس آف پرسنالٹی ڈس آرڈرز, سرٹن بیہیویئرز اور سمٹمز دیٹ مے بی پٹ انٹو اے کیٹیگری آف دیز ڈس آرڈرز آر ایکچولی ایگزیجریٹڈ فارمز اینڈ ایکسٹینشنز آف ٹپیکل میل بیہیویئر. دیز میل بیہیویئرز آر دا پریویلنگ جینڈر اسٹیریوٹائپس. فار ایگزامپل, اکارڈنگ ٹو امیریکن سائیکیاٹرک ایسوسیشن, اے پرویسو پیٹرن آف سوشل اینڈ انٹرپرسنل ڈیفیسٹس marked by acute discomfort with and reduced capacity for close relationships as well as cognitive or perceptual distortions and eccentricities of behavior is the way in which schizotypical personality disorder is characterized. Aur aap dekh sakte hain ki ye cheeze aapko bahut se apne idgit ke logon mein bhi dikhai de jayengi. The antisocial personality disorder is described as pervasive pattern of disregard for and violation of the rights of others. This includes physical cruelty, telling lies, stealing or fighting. An exaggerated picture of the traditional male gender role can be seen in the description of the above mentioned personality disorders. Dusri janib agar dekha jaye to kuch descriptions aisi hain ki wo auraton ke normal average behavior ki exaggerated forms hain. یعنی عورتیں جس طرح سے عام طور پہ بیہیو کرتی ہیں, اگر اس کو ذرا سا بڑھا دیا جائے, اس کی فریکوینسی اور انٹینسٹی بڑھ جائے, تو آپ اس کو لیبل کر دیں گے. A pervasive and excessive need to be taken care of that leads to submissive and clinging behavior and fear of separation. This is how dependent personality disorder is described. This is a blow up of the conventional stereotypical feminine role. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیہیویئر جو ہیں کسی نہ کسی طرح سے پائے جاتے ہیں لوگوں میں, اور اس طرح کے ہیں کہ اگر ان کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے, ان کے بلو اپس ہو جائیں, تو پھر یہ ڈائگنوز ہو جائیں گے, لیبل ہو جائیں گے.
इसके साथ साथ कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कल्चर प्रमोट करता है. हम मर्दों को, औरतों को, छोटी बच्चियों को, लड़कों को सिखाते हैं उन्होंने इस ख़ास तरीके से बिहेव करना. वो ख़ास तरीका जो बिहेवियर का है वो अल्टीमेटली ऐसा होता है कि वो डायग्नोजेबल बिहेवियर बन जाता है. देयर आर अ नंबर ऑफ बिहेवियर्स एंड टेंडेंसीज दैट आर प्रमोटेड बाय अ कल्चर इन मैन एंड वुमेन. मैनी ऑफ दीज जेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर्स इफ अडॉप्टेड इंटेंसली एंड एक्सप्रेस्ड फ्रीक्वेंटली मे अपीयर टू बी सिम्टम्स ऑफ सर्टन डिसऑर्डर्स इंक्लूडेड इन द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. हम देखते हैं कि बहुत से बिहेवियर ऐसे हैं कि जो बच्चों को बहुत बचपन में सिखा दिए जाते हैं और जो कि बाद में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ एक ख़ास हद से तो वो किसी ना किसी पैथोलॉजी की अलामत बन जाते हैं, सिम्टम्स बन जाते हैं. मसलन एंग्जाइटी लड़कियों में बचपन से ही दे आर ट्रेन टू बिलीव एंड दे आर ट्रेन टू बिहेव इन अ मैनर दैट दे हैव टू प्लीज एवरीबॉडी स्पेशली मैन. विच मीन्स एज अ रिजल्ट दे ट्राई टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग एंड इन ट्राइंग टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग दे एक्सपीरियंस एंग्जाइटी. तो शुरू से ही एंग्जाइटी की एक टेंडेंसी लड़कियों में डेवलप होना शुरू हो जाती है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है परफेक्शन के लिए. और इस वक्त हम बात करें ख़ास तौर पर अपने कल्चर के हवाले से. सिमिलरली डिप्रेशन, इस कल्चर में हमारे माशरे में लड़कियों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर्स हैं, उनको आज़ादी कम दी जाती है, कम आज़ादी दी जाती है डिसीजंस की, कम आज़ादी दी जाती है अपनी राय को एक्सप्रेस करने की, कम आज़ादी दी जाती है अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन का तयन करने की. वो क्या पढ़ना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं, कहाँ जाना चाहती हैं, वो इसके फैसले खुद नहीं करती, जिसके नतीजे में उनको फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस का सामना हो सकता है. इसके साथ साथ उनमें रोने की टेंडेंसी को और रोकर अपने दुख का इजहार करने की टेंडेंसी को डिस्करेज नहीं किया जाता, तो हेल्पलेसनेस में एक और चीज़ ऐड हो जाती है, उनको एक वे आउट मिल जाता है, एक एक्सप्रेशन उसका मिल जाता है और उस पर डिपेंड करना शुरू कर देती हैं. फियर और फोबियाज को ले लीजिए, लड़कियां शुरू से बचपन से ही डरपोक, तमाम लड़कियों की बात हम नहीं करें, बहुत सी लड़कियाँ जो डरपोक नहीं होती, बहुत से मर्द हैं जो डरपोक होते हैं, बट जनरली लड़कियाँ अगर किसी चीज़ से डरती हैं, किसी इंसेक्ट से डरती हैं, किसी जानवर से डरती हैं, किसी शख्स से डरती हैं, स्ट्रेंजर से डरती हैं, स्ट्रेंज सिचुएशन से डरती हैं, तो उनको डिस्करेज नहीं किया जाता. उनको अगर वो चूहे से डर रही हैं तो उनको ये तरबियत नहीं दी जाती कि चूहे को कैसे मारा या भगाया जा सकता है. अगर लड़का डर रहा हो उसको सिखाया जाता है कि छिपकली को कैसे मारते हैं, चूहे को कैसे भगाते हैं. तो लड़कियों में रीइंफोर्स किए जाते हैं फियर्स, लड़कों में नहीं किए जाते. एंड एडिशनली इन एडिशन टू द पर्सनल एक्सपीरियंसेस द गर्ल चाइल्ड हैज़ द मदर एज अ रोल मॉडल ऑफ फियर्स एंड फोबियाज. बच्चा सबसे पहले तब डरना सीखता है जब उसकी माँ किसी चूहे या छिपकली या कॉकरोच को देखकर चीख मारती है और बच्चे के जहन में एक कंडीशनिंग हो जाती है कि ये एक डरावनी चीज़ है. तो लड़कियां क्योंकि माँ के साथ आइडेंटिफाई करती हैं तो माँ जब डरती है तो बेटियां भी चीज़ों से डरना सीख जाती हैं. लड़कों का रोल मॉडल बाप है, बाप दिल में डरता हो तो शायद डरता हो लेकिन वो जाहिर नहीं करता कि वो किसी चीज़ से डरता है, वो मजबूर है बहादुर बनने पे. सो बॉयज़ डोंट हैव रोल मॉडल्स फॉर फियर्स एंड फोबियाज. इसी तरह से लड़कों के लिए एग्रेशन के रोल मॉडल्स बहुत मौजूद हैं. वो देखते हैं कि मर्द अपने एग्रेशन का इजहार करता है और फिजिकल एग्रेशन की फॉर्म में इजहार करता है, इसलिए एग्रेसिवनेस की जो टेंडेंसीज हैं वो मर्दों में शुरू से जो है उनकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है. और इसी तरह से यही बिहेवियर्स जो इन लोगों ने, और इस तरह के और बहुत से बिहेवियर्स हैं, मसलन वहमी होना और ऑब्सेस्ड हो जाना बाद में, चीज़ों की पाकी और नापाकी के तसव्वुरात बहुत सख्ती से जमे रहना, जो जिसकी एक एग्जैजरेटेड फॉर्म जो है ऑब्सेसिव और कंपल्सिव बिहेवियर की सूरत में जाहिर होती है, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो अर्ली सोशलाइजेशन में बच्चे और बच्चियां सीख जाते हैं. और क्योंकि टेंडेंसी ऑलरेडी मौजूद है, बिहेवियर ऑलरेडी सीखा जा चुका है, बड़े होकर उसका जब एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन होता है तो वो एक डायग्नोजेबल चीज़ बन जाता है. ये तो थी थोड़ी सी बैकग्राउंड, थोड़ी सी बुनियादी इन्फॉर्मेशन इस बारे में कि साइकोपैथोलॉजी क्या चीज़ है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में क्या प्रॉब्लम्स आजकल की रिसर्च के मुताबिक मौजूद है, और
वो कल्चरल फैक्टर्स क्या हैं जिसके तहत ये बिहेवियर्स, ये सिम्टम्स बच्चों में और बाद में एडल्ट्स में पाए जाते हैं। लेकिन एक आखिरी चीज़, हमने शुरू में कहा था नुमाया सिग्निफिकेंट जेंडर डिफरेंसेस मौजूद नहीं है मर्दों और औरतों में, लेकिन जेंडर डिफरेंसेस मौजूद हैं कुछ इलनेसेस के मामले में। अभी हम आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स बताएंगे, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया भर से इकट्ठी की जाने वाली रिसर्च को अगर देखा जाए तो क्या जेंडर डिफरेंसेस और किन एरियाज में जेंडर डिफरेंसेस मौजूद हैं। जेंडर डिफरेंसेस आर फाउंड इन द ऑनसेट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। मेल्स टेंड टू हैव एन अर्लियर ऑनसेट देन विमेन, मोर हॉस्पिटलाइजेशन एंड हायर रिलैप्स रेट्स। मेजर डिप्रेशन इज मोर कॉमन इन विमेन with a 2-to-1 ratio. There are no known differences in bipolar disorder. Dysthymia is more prevalent in women with a ratio of 2-to-3-to-1. The prevalence of depression in women is almost double as compared to the prevalence in men. This gap widens during mid to late adolescence. The rate of personality disorders is higher among men. In case of substance related disorders, men are higher in alcohol dependence ratio 5-to-1, amphetamine dependence ratio 3-to-1 to 4-to-1, cannabis cocaine ratio 1.5-to-2-to-1, hallucinogens ratio 3-to-1 and opiates ratio 1.5-to-3-to-1. Women are at a higher risk in sedatives, hypnotics or anxiolytics. Women are at a higher risk of panic attacks with and without agoraphobia ratio 2-to-3-to-1 and social phobias in women in general population. Men are higher in clinical settings. Yahan bhi yaad rakhne ki baat ye hai ki general social situations mein auraton mein इस तरह की टेंडेंसी पैनिक अटैक्स की पाई जाती है, लेकिन क्लिनिकल सेटिंग्स में पैनिक अटैक्स जो हैं मर्दों में ज़्यादा पाए जाते हैं। जहाँ तक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का ताल्लुक है, इसमें कुछ ज़्यादा नुमाया जेंडर डिफरेंसेस नहीं पाए गए। देर आर नो जेंडर डिफरेंसेस इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर इज सब्सटेंशियली मोर कॉमन इन विमेन देन इन मेन, रेशियो 2-to-10-to-1। Women account for 95% of somatization disorder patients. In the US, this diagnosis is rare in men, but not so in other cultures. There are no gender differences in body dysmorphic disorder. Dissociative identity disorder is more common in women with a ratio of 3-to-9-to-1. Sexual dysfunction, paraphilias, is rarely diagnosed in women and the men to women ratio is 20-to-1. ये थी एक लिस्ट स्टेटिस्टिक्स की। हमने जैसे कि पहले कहा था, हम आपको सिर्फ स्टेटिस्टिक्स देंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे कि कुछ डिसऑर्डर्स में जहाँ पर जेंडर डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो क्या है। कुछ में आपने देखा होगा कि मर्द जो हैं उनका रेट, आप क्योंकि हमने रेशियोज आपको इसीलिए बताए हैं, मर्दों में प्रेवलेंस और इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, 20-to-1 का डिफरेंस भी आप देख सकते हैं, और कुछ में औरतों में जो है रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दो तीन चीज़ें यहाँ पर याद रखने की हैं। एक तो ये कि जेंडर डिफरेंसेस हम कह रहे हैं बहुत गहरे नहीं हैं। दूसरे जो जेंडर डिफरेंसेस हैं उसमें दोनों तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स मेल में ज़्यादा हैं, कुछ डिसऑर्डर्स फीमेल में पाए जाते हैं, और ऐसा शायद ही कोई डिसऑर्डर है, इनफैक्ट कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं है जो मर्दों में ना पाया जाता हो या जो औरतों में ना पाया जाता हो। विच मीन्स बोथ मेन एंड वुमेन आर वल्नरेबल, बट एज वी हैव सेड कल्चरल फैक्टर्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। द टेंडेंसीज फॉर सर्टेन डिसऑर्डर्स आर कल्टिवेटेड अनइंटेंशनली बाय द कल्चर्स, द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड द चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। यहाँ से एक और चीज़ भी जो हमारे जहन में आनी चाहिए, एक चीज़ जिसको हम बहुत मामूली समझते हैं बल्कि उसके बारे में हम कभी फिक्रमंद ही नहीं होते, बच्चों की तरबियत करते हुए, परवरिश करते हुए हमारी सी छोटी कही हुई बात
हमारा छोटे से छोटा रवैया बहुत गहरे मानी रख सकता है और बहुत दूरस असरात उसके हो सकते हैं। बचपन में बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस करना, सफाई सुथराई के बारे में बहुत ज़्यादा तनकीद करना, परफेक्शनिस्ट बनने की उसमें टेंडेंसी पैदा करना, उसमें एंग्जाइटी पैदा करने का बायस हो सकता है। या बच्चे की हर बात के ऊपर उसको क्रिटिसाइज़ करना, हर वक्त बुरा भला कहना, हर वक्त उसको ये एहसास दिलाना कि वो उसमें कोई भी खूबी नहीं पाई जाती, उसमें एहसास कमतरी का बायस तो बनता ही है, लेकिन उसमें एक फियर पैदा करने का बायस भी हो सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने का बायस भी हो सकता है, हेल्पलेसनेस का भी बायस हो सकता है, अल्टीमेटली डिप्रेशन की टेंडेंसीज पैदा करने का बायस हो सकता है, और बहुत एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल टेंडेंसीज भी इसकी वजह से पैदा हो सकती हैं। इसका मतलब है कि दुरुस्ती कहा जाता है कि आज हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो आज से 20 साल के बाद या 25 साल के बाद हमें दिखाई देगा कि माशरे पर, उनकी अपनी ज़िंदगी पर और पूरी कौम पर किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। तो जहाँ हमें आज के लेक्चर में ये चीज़ें मालूम हुई, स्टैटिस्टिक्स मालूम हुई, क्रिटिसिज्म मालूम हुआ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का, वहाँ पर एक लम्हे के लिए हमें ये एहसास भी अपने दिल में कायम कर लेना चाहिए कि हमें दूसरों के साथ अपने रवैये में, ख़ास तौर पर बच्चों की परवरिश में, ख़ास तौर पर औरतों के साथ अपने सलूक में बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे रवैये किसी दूसरे शख्स में किसी मसले का, किसी सिम्टम का, किसी तकलीफ का बायस बन सकते हैं। आइंदा लेक्चर में हम देखेंगे कि इन्हीं चीज़ों को जहन में रखते हुए, फेमिनिस्ट अप्रोच को जहन में रखते हुए, साइकोपैथोलॉजी के लिए किस तरह की साइकोथेरेपी आजकल के ज़माने में जेंडर सेंसिटिव साइकोलॉजिस्ट पेश करते हैं। ये सब कुछ अगले दो लेक्चर्स में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।